गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैं फिर से आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। तो आज हम लोग जा रहे हैं मिर्ज़ापुर का सबसे बड़ा चर्च भुजबा की चौकी। तो हम भी कभी गए नहीं हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोग के साथ शेयर की जाए वो बातें। हम जा रहे हैं, मम्मी जा रही हैं और देखते हैं कौन कौन लोग जाते हैं। तो यहाँ पे सपना जो है कि खाना वाना बना रही है, हमें 9 बजे तक जाना है। तो सपना खाना वाना बना रही है, खाना वाना बनाने के बाद हम लोग खा पी लेंगे तो निकलेंगे। वैसे तो कुछ खास काम के लिए नहीं जा रहे, बस ऐसे ही घूमने का मन कर दिया तो बस जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे मेरे ब्लॉग में बने रहिए, हम कंटिन्यू अपने ब्लॉग में सारे चर्च में क्या होता है क्या नहीं, तो हम सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे मेरे वीडियो में बने रहिए। चले तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं। सुमन क्योंकि 8 बजे से तैयार होकर बैठी है। हाँ दोस्तों, 9 बजे के बोला गया था जाने के लिए, इस समय 9:13-14 हो रहा है। 13:14 और सीमा पापा भी हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग निकलते हैं अब। चले लो सुमन, चलो अब पानी चढ़ो, तो पानी पी लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग चर्च के लिए निकल लिए हैं। टाइमिंग हमें बुलाई गई थी 9 बजे की, लेकिन हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया, लेट हो गया है, 9:30 बज चुका है। और आंटी बोली थी कि चली आइएगा। दिखा रही है क्या? कितना राजा हो तुम, हमसे मिलो, पैसा दिखाओ, मुझे भी दे दो। 500 रुपये जा रहे हैं मार्केटिंग करके, दे दो बेटवा जो था तुम रखे ना मैं दी। हाँ तो आंटी बोली थी जल्दी आने के लिए, पर काफ़ी टाइम हो चुका है। तो हम लोग जा रहे हैं भुजबा की चौकी। सुना है वहाँ पे बहुत बड़ा चर्च है। देखिए जैसे कि चर्च में जाने का मतलब हम लोग तो बस घूमने जा रहे हैं, लेकिन आंटी बोली थी कि वहाँ पे जैसे कि ईसु मसीह के लोग जो होते हैं, क्रिश्चियंस जो होते हैं, उनसे रिलेटेड बातें वहाँ पे होती हैं, उनसे रिलेटेड आपको मतलब चित्र दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे उनके बारे में। तो बस यही है, तो हमने देखिए आप गए अभी हम चर्च से निकल रहे आपको सारी बातें। चलो निकाले ऐसा। जैसे कि आपने देखा था कि मैंने वहाँ पे आप लोग को एक बात बता देते हैं कि वहाँ पे वीडियो शूट करना मना था, उसके बावजूद भी मैंने अपने रिजर्वेशन को क्रॉस करके मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया। ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं किया, थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग किया है। तो वहाँ से हम लोग घर चले आते हैं, वही बताए थे समस्या के लोग, उनसे रिलेटेड बातें कि उनकी मतलब जो क्रिश्चियन के जो गॉड होते हैं, भगवान जो होते हैं, उनको क्या क्यों माना गया, उनसे क्यों किया गया। तो बताया गया है कि वहाँ ईसु मसीह के जो गॉड थे वो मतलब जनता मतलब हम लोग के लिए लड़ाई करते करते उन्होंने अपनी जान खुद ही निछावर कर दी थी, ऐसा बोला गया है। लेकिन मैं आपको तो सच बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम बता रही हूँ कि हम फर्स्ट टाइम ऐसा वो लोग के लेक्चर सुने हैं, ऐसे वो लोग की बातें सुने हैं। मुझे बिल्कुल क्रिश्चियन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, बट वहाँ जाकर के बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ही सुकून मिला। और बाइक में आप लोग भी जाइएगा, वहाँ पे जाने के बाद इतनी सुकून मिलती है, इतना अच्छा लगता है कि आप लोग भी क्या बोलेंगे। तो उसके बाद देखिए आप लोग बातों बताना भूल गए थे कि मेरी कोचिंग की लड़कियाँ भी मेरे यहाँ आई हुई थी, जो उनको मेरा घर देखना था, तो उसके हम लोग को उनको अपने घर ले आए थे।
और फिर अब पापा को बोल देते पापा उनको छोड़ दीजिए। और जब वो लोग चली गई घूमने, जो कि पठानघाट घूमने जा रहे हैं, हम सब लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी आंटी लोग आ नहीं रही हैं, आंटी लोग पीछे से आएंगी। हम लोग जा रहे हैं गाइस। कितनी बढ़ चुकी हैं और यहाँ पे लोगों की भीड़ थोड़ी कम हो गई है क्योंकि गंगा जी बढ़ चुकी हैं। चलिए हम आप लोगों को नीचे चल के दिखाते हैं। हम आप लोग को बता दे रहे हैं, हम लोग आए थे घाट पर घूमने, पर बता दे रहे हैं जैसे घाट पहले की तरह था वैसे घाट बिल्कुल भी नहीं रह गया है। सारे के सारे लड़के अपनी लिमिट क्रॉस करके घाटों पर भोजपुरी गाने पे वॉल्यूम उसकी आवाज़ तेज करके वीडियो इस तरीके से बना रहे हैं। सच बता रहे हैं, वो बिल्कुल भी घाट घाट नहीं रह गया है। ओ जैसे कि घाट घाट नहीं रह गया मैंने आपको बताया था, बट घाट का नज़ारा बहुत ही प्यारा था। गंगा जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली थी, बट कोई नहीं। अब देखिए, अब बारिश का मौसम आता है तो बाढ़ बाढ़ आती है तो गंगा जी तो बढ़ती ही हैं, और इस बार तो थोड़ी कम आई थी, पिछली बार की गंगा जी बहुत काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। तो देखिए जैसे हम लोगों ने घाट पर वीडियो शूडियो शूट कर लिया है, फिर उसके बाद हम लोग चल दिए हैं घर क्योंकि शाम हो रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो भी नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा अच्छा वीडियो नहीं बनाया है। तो यहीं तक का वीडियो रखते हैं गाइस। आई होप आप लोग को वीडियो मेरा बहुत पसंद आया होगा, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।